विधानसभा चुनाव की तारीख होने में अभी समय है, लेकिन बयानों का दौर फिलहाल लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली बीजेपी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का फीता काटकर पीठ थपथपाने के अलावा कुछ और कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही है। भिलाई टाउनशिप वासियों को शिवनाथ नदी का पानी पिलाने की बात हो या फिर तारा मंडल के तहत क्षेत्र वासियों को ब्रह्मांड की जानकारी देने की बात हो, यही नहीं प्रदेश सरकार पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके कार्यकाल में ना तो यूनिवर्सिटी खुली है और ना ही नए कॉलेज खुले हैं और ना ही कोई स्कूल खोले गए हैं, केवल इमारतों की लीपापोती कर उन्हें नए स्कूल का रूप दे दिया गया है। दूसरी बात, विधायक जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी जो इंदौर स्टेडियम तथा कथित रूप से तारामंडल जो उद्घाटन करने वाले हैं वो भी भाजपा शासन काल में बना है। तारामंडल जो अभी ये बना है वो उनका है। हम लोगों ने जो तारामंडल की कल्पना की थी वो कलकत्ता, लखनऊ, बॉम्बे टीम जाकर के देखने के बाद इंटरनेशनल लेवल के जो वर्तमान में जरूरत है उस हिसाब से जो प्रदेश में अपने आप एक तारामंडल, हर जगह प्रदेशों में एक ही तारामंडल लग रहा था। विधायक जी, आपके आपके कार्यकाल में क्या एक भी यूनिवर्सिटी खुली है? क्या एक भी कॉलेजेस खुले हैं? क्या एक भी स्कूल खुला है सिवाय आत्मानंद की, जिसकी बिल्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे थी, उसको पेंट कराया गया, उसका नाम चेंज किया गया, उसके अलावा यहाँ पे और भी कोई भी काम नहीं हुआ है? हम भी इंजीनियर हैं, हम भी MBA किए हैं, हमारे कार्यकाल में टेक्निकल यूनिवर्सिटी आया है, कितने सारे और कॉलेजेस आए हैं, 27 से ज़्यादा कॉलेजेस बने थे, और आपके कार्यकाल में तो एक भी चीज़ नहीं बना। अरे बनाना छोड़िए, आपने क्या मेंटेन किया है? अगर आप यहाँ पे अपने कार्यकाल में डेवलपमेंट के बारे में बोलने जाएंगे तो आपके पास में पेवर ब्लॉक लगाने के अलावा और छोटे गार्डन के बनाने के अलावा आपके पास में तो कुछ है ही नहीं बोलने का।